मेरे को पूरी उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा वो है ना यस बट अभी मैं एक नया सेट करा रहा हूं अभी मैं एक नया सेट करा रहा हूं बहुत ही इजी सेट है जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्ट रिवीजन बहुत ही इजी सेट है ताकि और हमें क्लैरिटी हो जाए फिर आज हम लोग एक प्रीवियस ईयर का सेट भी करेंगे गाइस फिर आज हम लोग एक प्रीवियस ईयर का सेट भी करेंगे डोंट वरी ठीक है टेबल का सेट था बहुत पुराने आया था बट है प्रीवियस ईयर का सो नो नीड टू वरी बट पहले मैं कंपाउंड ग्रोथ आई विल टेल यू डोंट ठीक है यस होमवर्क हाँ, का डाउट मैं करूंगा बट उससे पहले मैं एक सेट करा रहा हूँ चार पांच क्वेश्चन का वो कर लो फिर उसके बाद होमवर्क वाला डिस्कस करेंगे फिर उसके बाद एक पी वाई जी डिस्कस करेंगे ठीक yes. है यस डोंट डोंट वरी वरी आई विल टेल यू कंपाउंड ठीक है अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा हुआ तो आपको पता होगा वो डोंट वरी मैं मैं वो भी बता दूंगा टेंशन ना लो पहले एक बार सभी लोग ये चेक कर लो जरा लिंक शेयर कर दिया था क्या आप लोगों ने क्या आप लोगों ने लिंक शेयर कर दिया था क्लास का अगर अभी भी कोई ऐसा ग्रुप बचता है जहां तक सेशन का लिंक नहीं पहुंचा है तो प्लीज इसको पहुंचा दो वहां तक ठीक है। बहुत ही बढ़िया फाइनली हमारा आज का टारगेट अचीव हो गया फाइनली हमारा आज का टारगेट अचीव हो गया तुम लोगों को पता है ठीक है ये मेरा टारगेट था कि आज अपने को 150 प्लस ले जाना है ठीक है यस छोटे छोटे टारगेट होते हैं मेरे ऐसे नहीं कोई मेरा बड़ा टारगेट है ठीक yeah, है यस या ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस बड़ा इजी क्वेश्चन है ठीक है अरे थैंक्स क्रिवेश बहुत ही बढ़िया चलो यस yes. जस्ट अगर कुछ भी नहीं आता ना अगर कुछ भी नहीं आता तो एटलीस्ट क्वेश्चन को हम लोग रीड करेंगे और सोल्व करने की कोशिश करेंगे हम इस मूड सेट से नहीं बैठे यहाँ पे कि यार यार देख लेंगे जो होगा ठीक है हमें पढ़ना है यार तो हमें उसके लिए मूड सेट करना पड़ेगा पूरा ठीक है तो जस्ट इस डाटा को रीड करो क्या दिया हुआ है क्या क्या चीजें हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखना है उसको ठीक है हाय विवेक हाय अनुज हाय देवी का हाय दीपांशी हाय देविका वेलकम टू द सेशन गाइस स्वाति मीनाक्षी साहिल नवीन एमी एमी से मुझे एमी वीर के गाना याद आ गया हाय श्रुति जैन हाय रश्मि हाय दीक्षी ज्वाइन फास्ट गाय जल्दी से आओ हाय मीनाक्षी डोंट रिसीव्ड हाय सौरभ हाय जिसप्रीत अच्छा मेरा फेस मेरा फेस कुछ लोगों यहां पर दिखाई दे रहा होगा आप लोग उसको ड्रैक भी कर सकते हो ठीक है तो मैंने फिलहाल यहां पर रखा हुआ ट्रैक करके अदरवाइज आपको ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे ठीक है सो so, मेरा फेस आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा होगा आप उसको ड्रैक करके इधर कॉर्नर में ले आओ कोई प्रॉब्लम नहीं है आप उसको इधर कॉर्नर में ले आओ ट्रैक करके हाय आयुषी हाय यश हाय मालविका या आई आई एम एम द द पोल पोल डोंट वरी जल्दी से गाइस ठीक है बहुत ही बढ़िया वेरी गुड एंड ये हमारे सामने पहले क्वेश्चन का पोल है गाइस ठीक है जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे जो लोग अभी आए जस्ट इस क्वेश्चन को रीड करें क्या पूछा जा रहा है बड़ा इजी क्वेश्चन है ठीक है कितना मिस हो गया अरे पहला क्वेश्चन है मेरे भाई पहला क्वेश्चन है सो यस पोल इज एक्टिव गाइस फास्ट यस अभी दिया है मैंने 60 सेकंड्स क्योंकि कुछ बच्चों ने हमें जस्ट अभी अभी ज्वाइन किया है कुछ बच्चों ने जस्ट अभी अभी ज्वाइन किया मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिया इसके लिए डोंट वरी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन से कम टाइम दूंगा बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट मार्ग द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन वेरी गुड गाइज बहुत ही बढ़िया यस फास्ट हाय अनेरी रागिनी अभिषेक स्वागत कुनाल लेट मत आया करो गाइज ठीक है आप लोग तो डेली आते हो यार आप लोग लेट मत आया करो एंड टाइम 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 अप 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 यप चलिए बहुत ही बढ़िया सो दिस इज लीडर बोर्ड देवाशीष अलग जोन जोन में आज अभिषेक गुप्ता यशु अरित्रो मनीष एंड रॉमिक क्रेविश स्वपनेश हर्ष विनल बहुत ही बढ़िया आज रिकॉर्ड टूटेगा लग रहा है नहीं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है ठीक है सर फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम हेयर ओके कुणाल ठीक है कुणाल बहुत ही नॉर्मल सा है जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड ऐसा कुछ नहीं है इसमें ठीक है नेक्स्ट yes, क्वेश्चन so जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ वैसा में इसमें कुछ नहीं करना था हमसे पूछा गया था जरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ फीलिंग टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी है ठीक है यस yes, ये पूरा का पूरा पीरियड ये रहा,

ठीक है मुझे इन सभी को एड करना था यहां पर और फाइव से क्या कर देना था डिवाइड कर देना था बस इतना सा काम करना था सो आई थिंक आप आप लोग कर सकते हो अगर आप ये काम भी नहीं कर सकते ना अगर आप लोग काम भी नहीं कर सकते तो जस्ट क्या करना आप लोग को एवरेज निकालने का तरीका आना चाहिए एवरेज निकालने का एक तरीका पता क्या है आप इनके आसपास का कोई भी एक नंबर एवरेज कर लो डेव्यूशन मैथड याद है डेविएशन मेथड तो डेविएशन मेथड से भी हम लोग यहां पर सॉल्व कर सकते हैं ठीक है आप वो वाला काम भी कर सकते हैं यहां पर मैंने डेविएशन मेथड सिखाया हुआ है जस्ट मान लो थर्टी इज अवर एवरेज तो ये थर्टी से कितना कम है ये थर्टी से कितना कम है गाई? जल्दी से बताओ क्या ये सिक्स पॉइंट सिक्स का डिफरेंस आ रहा है क्या ये थर्टी से सिक्स पॉइंट सिक्स कम है ये थर्टी से कितना ज्यादा है प्लस टू पॉइंट फाइव ये थर्टी से कितना ज्यादा है इलेवन पॉइंट सिक्स एंड ये थर्टी से कितना ज्यादा है सिक्स पॉइंट फोर ये थर्टी से कितना ज्यादा है नाइनटीन पॉइंट फोर सो इनको देखो एड करके कितना आ रहा था इनको ऐड करके देखो कितना छह चार दस और पांच तो उन्नीस आ रहे हैं यहाँ पर एक आएगा दो और एक तीन और तीन और एक चार चार छह दस नौ उन्नीस का एक सॉरी वेट 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 ये थर्टी नाइन पॉइंट नाइन आएगा इसमें से माइनस कर देना ठीक है सिक्स पॉइंट सिक्स माइनस कर देना पहले तो सिक्स माइनस करो इसमें से पहले तो सिक्स माइनस करो कितना आएगा यहाँ पर सिक्स माइनस करने पर थर्टी थ्री थर्टी थ्री पॉइंट कितना आएगा थर्टी 33. आया 33.3. अब ये डेविएशन आ रहा है सब प्लस वाले थे, थे। सारे के सारे हमारे प्लस वाले थे ये सारे क्या है माइनस वाले तो प्लस का 33.3 अब हमें करना क्या है इसको कितने थे इसको तो जैसे ही मैं इसको फाइव से डिवाइड करूंगा कितना आएगा जैसे ही डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा ना इसको फाइव से डिवाइड करने पर कितना आएगा सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स आएगा सो इट मीन्स जो मैंने एवरेज अज्यूम किया था मैंने इन सबको किससे कंपेयर किया था 30 से इसको भी थर्टी से कंपेयर किया था इसको भी कमी से कंपेयर किया था इसको 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 भी 30 से था, इसको भी 30 से इसको भी 30 से 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 कंपेयर 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 किया 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 था 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 तो मैंने तो 30 को एवरेज लेट किया था तो थर्टी को एवरेज लेट करने के बाद पता लगा इन सबका डेविएशन कितना आया प्लस का थर्टी थ्री पॉइंट थ्री तो टोटल देर आर फाइव ऑब्जर्वेशन मैंने उसको फाइव से डिवाइड कर दिया तो ये कितना है टोटल सिक्स सिक्स यानी कि जो मैंने एवरेज लेट किया था ना

आंसर तो तो हमारा ये भी होता। yes. भी होता, ठीक है? जो आता, I think आता, इसको 5 से करते तो आ जाता। It all depends, आप लोग कैसे करते क्वेश्चन को Easy था, ठीक है? हाँ. मैं deviation भी लगा देता हूं। deviation आना चाहिए। deviation method अगर आप लोगों को सीखना है तो फिर मैं बोलूंगा वो लास्ट ईयर वाली पीडीएफ पर जाओ एवरेज के सेशंस देख डालो ठीक है yes. जल्दी से ये पूरा का पूरा डीआई बहुत इजी है पता है आप लोगों को फास्ट हाँ टाइम टेकिंग था लेकिन कुछ जंगल डायवेशन बहुत काम आता है कुछ जंगल डायवेशन बहुत ज्यादा काम आता है पता है आपको सर मेरा डाउट प्लीज सर मेरा डाउट प्लीज ओके सुप्रतिन नवनीत सुदीप विशाल मेनक मुग्धा श्रीवास्तव अनुपम रघु जो भी नए बच्चे हम लोग को ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना वहां पर इन सब डीआई की पीडीएफ आपको मिलेगी डीआई की पीडीएफ के साथ साथ आपको सारे लिंक वहीं पर मिलते हैं सो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना कॉमेंट सेक्शन में मैंने ऊपर पिन किया हुआ है ठीक है सनी का डाउट मुझे दिखाई नहीं दे रहा सनी 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 का डाउट क्या है यार स्टार्ट तो में करते थे जैसे स्टार्ट में करते थे डी सॉरी फॉर जॉइनिंग लेटर भाई दोबारा भेज दे दोबारा भेज दे हाय मनोज हाय मुस्कान हाय वैभव सर फ्रॉम वेयर टू एक्सेस ओल्ड टेस्ट टेलीग्राम तो ज्वाइन करो आप पहले आप पहले टेलीग्राम तो ज्वाइन करो भाई करेंगे पोल क्रिएट हाय छवि हाय शुभम हाय मनासी राव हाय अनिकेत द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली वॉट परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी तो सैलरी का कितना परसेंट है बोनस सैलरी का बोनस कितना परसेंट है हमसे पूछा जा रहा है सो हेयर आई एम क्रिएटिंग द पोल गैस फॉर दिस क्वेश्चन एंड पोल इज एक्टिव या फास्ट पोल इज एक्टिव फास्ट गैस कल सैटरडे है बट कल भी क्लास है ठीक है क्योंकि वीकेंड सेलिब्रेशन करने का मौका आपको मैं बिल्कुल नहीं दूंगा बाहर लॉकडाउन है आपको बाहर बिल्कुल नहीं जाना घर बैठ के डेली क्लास अटेंड करनी है ठीक है सैटरडे है फिर संडे भी है ठीक है नहीं ये कैट का क्वेश्चन नहीं है ये कैट का क्वेश्चन नहीं है डोंट वरी हाँ सेम टाइम डी की क्लास सेम टाइम पर होगी डी की क्लास सेम टाइम पर होगी इसी टाइम पर डोंट वरी चलिए जी बहुत बढ़िया अरे बताएंगे 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 मैराथन ले लो अरे कल कल तो पॉसिबल नहीं है मैराथन बट संडे में कर सकते हैं मैराथन ठीक है marathon, और मैराथन में सोच रहा हूं क्यों ना हम किसी एल के टॉपिक की कर लें ठीक है हाँ ये तो मैं प्लान कर रहा हूं ठीक है यस चलो देखते हैं सो so, यहां पर देखते हैं पहले द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस टोटल अमाउंट ऑफ बोनस टोटल अमाउंट ऑफ बोनस कितना इन सबको एड करने में तुम एक्सपर्ट हो इन सबको एड करके कितना है? जल्दी से बताओ जरा इन सबको एड करके कितना आया सेवनटीन आया क्या

टोटल सैलरी कितना आ रहा है यहाँ पर वन सेवन वन जीरो अरे तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया ये तो लिटरली बाबू क्वेश्चन हो गया बाबू क्वेश्चन बन गया है कितना 100. अरे 1 आएगा, यार? 1 आएगा? आएगा ना वन परसेंट अप्रोक्सीमेट पूछा है ना उसने अप्रोक्सीमेट पूछा है ना सो वन परसेंट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन बोलो जरा अरे बोलो बोल नहीं पा रहे हो तुम लोग है ना वन पॉइंट समथिंग आ रहा होगा ना जितना भी आ रहा होगा सो वन परसेंट इज अ करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन यस कुछ लोग जीरो पॉइंट वन बोल रहे हैं हाउ इज इट पॉसिबल यार देखो ये सेवनटीन इंटू हंड्रेड कितना होगा सेवनटीन हंड्रेड अपऑन वन सेवन वन जीरो तो वन से शायद थोड़ा छोटा आएगा वन परसेंट से थोड़ा छोटा आएगा बट उसने अप्रोक्सीमेट वर्ड का यूज किया है यहां पर उसने अप्रोक्सीमेट वर्ड का यूज किया तो डेट इज वाई ऑप्शन सी इज द अप्रोक्सीमेट आंसर ना

टेलीग्राम हैंडल इज नॉट वर्किंग पॉसिबल ही नहीं है बस तुम्हारे फोन में टेलीग्राम होना चाहिए और लैपटॉप में टेलीग्राम होना चाहिए मनीषा क्या बोल रही है हम प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम कहां से विद सॉल्यूशन डोंट वरी मनीषा पहले मुझे पढ़ाने दो तभी तो प्रैक्टिस करोगे पहले मुझे पढ़ाने दो तभी तो तभी प्रैक्टिस करोगे करेंगे प्रैक्टिस का भी कुछ प्रैक्टिस का भी करता है कुछ कहा है टेंशन ले रहे हो ठीक है कर देंगे पोल क्रिएट इसका इसका पोल क्रिएट कर देंगे क्या Second lecture. So here I am creating the poll, guys. Poll is active. last 15 seconds. total expenditure on all these items in 1998 was approximately what percent of total expenditure in 2002? total expenditure. <clears throat> बहुत ही बढ़िया चलो देखते हैं, क्या बोला जा रहा है यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल दीज आइटम्स इन इज नाइनटीन नाइन इज ना टोटल एक्सपेंडिचर ऑल दीज आइटमटीन नाइनटी एट वॉज अप्रोक्सीमेटली

दिस इज अवर टोटल एक्सपेंडिचर इन टू थाउजेंड टू तो क्या मैं इनको एड कर सकता हूं क्या क्या मैं इनको एड कर सकता हूँ कितना आएगा जल्दी से बताओ अकोर्डिंग टू देवाइंट्री सिक्स के अकॉर्डिंग आ रहा है सेवन वन थ्री पॉइंट थ्री सिक्स सो दिस इज अवर टोटल एक्सपेंडिचर इन टू थाउजेंड टू दिस इज अवर टोटल एक्सपेंडिचर इन टू थाउजेंड टू आर यू गेटिंग माई पॉइंट दिस इज अवर टोटल एक्सपेंडिचर इन टू थाउजेंड टू इन सबको एड कर लिया हम लोगों ने इन सबको हम लोगों ने ऐड कर लिया ठीक है अनामिका का गलत आ रहा था अनामिका इसको ढंग से ऐड करना ठीक है गलत नहीं आना चाहिए एटलीस्ट एडिशन तो अरे तो कंपनी का तो एक्सपेंडिचर ही हुआ ना 420 सैलरी है बट कंपनी का तो एक्सपेंडिचर वो भी तो कंपनी का खर्चा है मान लो आज मैं कोई कंपनी चलाता हूँ मेरे दस एम्प्लॉइज है तो जो मैं उनको सैलरी दे रहा हूँ वो तो मेरा खर्चा हुआ ना मेरा तो खर्चा हुआ ना यार वो मेरा तो एक्सपेंडिचर है ना अगर मैं कंपनी चला रहा हूं ऐसे सोचना था ना पूरा पढ़ा नहीं था

इसलिए करा रहा था मैं यहां से भी सीखने को मिल रहा है कुछ सो so, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है ठीक है 1998 में हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना था 1998 में हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना था जरा इनको ऐड करना 1998 में हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना था इनको ऐड करो जल्दी से कितना आएगा ये इनको ऐड करो कितना रहा? 495, आ रहा है 495 पक्का झूठ मत बोलना ये आ रहा है ऐड करके 495 दिस इज दे आ रहा है 495.4 और ये कितना आ रहा है 713.36 उसने क्या पूछा है हम लोगों से टोटल एक्सपेंडिडिड टू सो टू थाउजेंड 1998 का कितना परसेंटी फाइव पॉइंट फोर सेवन वन थ्री 2002? थ्री so, सिक्स का कितना परसेंट है फोर परसेंटेज वी मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड इसको सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा ठीक है अराउंड सिक्सटीन के करीब आएगा अच्छा अगर मैं एग्जाम में होता ना अगर मैं एग्जाम में होता तो थोड़ा सा ना मैं लॉजिक लगा लेता थोड़ा सा लॉजिक से कर लेता मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से कर लेता अगर मेरे ऑप्शन दूर दूर होते बट यहां पर सिचुएशन थोड़ी खराब है सिक्सटी सिक्स भी ऑप्शन में, में, में तो अप्रोक्सीमेशन ना लगाकर जल्दी से कैलसी से ही कर लो कैलसी से कर लो जल्दी से हम वहां पर लेते वन थ्री कर लेते जरूरी नहीं है पूरा करो इतना कर लो फोर नाइन बाय सेवन वन बाई थ्री कर लो तो अराउंड सिक्सटी नाइन पॉइंट समथिंग आएगा हाँ, तो इसका आंसर आ, आएगा, आएगा सोल्व करकेट तो कितना होगा हमारा 69%. इसका कितना होगा हमारा 69%. हाँ, तब तो आ जाता तब तो आ जाता. बात समझ में आ रही है तब तो आ जाता चलिए गाइज हाँ सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग ठीक है यस सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज इसी डी आई का जल्दी से करो यार ठीक है बहुत टाइम लग गया इस डीआई में जल्दी सोल्व करो इसको बड़ा इजी क्वेश्चन है ठीक है पता है तुम्हें बहुत ही इजी क्वेश्चन है यू फास्ट जल्दी से करो पोल क्रिएट कर दिया मैंने ऑलरेडी कभी बाद में चिल्लाओ पोल नहीं मिला था हम लोगों को पोल नहीं मिला था वरना हम तो कर लेते। सर ने हमें पोल नहीं दिया बहुत ही बढ़िया वेरी गुड एट्टी परसेंट स्टूडेंट मांग द राइट आंसर ये तो बड़ा बर्बाद क्वेश्चन था जनता भी खुश मीडिया भी खुश वाह वही हुआ ना यहाँ पर जनता भी खुश है मीडिया भी खुश है वही हुआ इस क्वेश्चन में द द द टोटल टोटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ओवर ओवर दोज दीज आइटम्स ड्यूरिंग ईयर अरे यार बाबू है तो ये तो बाबू है तुम इसको भी नहीं कर पाए क्या मैं मुझे शर्म आ रही हूँ ट्वेंटी परसेंट लोगों पर क्या हमसे ये भी नहीं ऐड हो पाया क्या हम इनको ऐड नहीं कर पाए थे क्या कैसी बातें कर रहे हो यार इनको तो ऐड ही करना था भाई बस इनको ही तो ऐड करना था <laughs> अभी तो निकाला था एक्सपेंडिचर अभी यहां पर का एक्सपेंडिचर निकाला था 2002 का एक्सपेंडिचर निकालना था इस बार बस यहां पर क्या करना था टू थाउजेंड का एक्सपेंडिचर निकाला था इनको ऐड कर लेते ऐड करके हमारा आंसर आ जाता फाइव फोर्टी फोर पॉइंट फोर फोर बोलो यार ये तो बाबू था बिल्कुल बाबू हाँ कैसे भी कर लो कैसे भी कर लो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो क्योंकि इसने लास्ट टू टू डिजिट दिए हुए हैं ठीक है यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे देखो यहां पर .84 है, .6 है. So इनका .44 आएगा. कर सकते थे हाँ मतलब, मुझे खुद पे शर्म आ रही है अब मुझे खुद पे शर्म आ रही है ठीक है यस चलो आगे बढ़ते हाँ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डी आई सचिन टू ब्रांड का नाम डूब गया तुम तो आया यही बोलना ठीक है द द बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस फॉर ऑल द इयर्स टैक्सेस एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल द इयर्स रेस्पेक्ट अप्रोक्सीमेट पूछा है ये बात ध्यान रखना है अप्रोक्सीट पूछा है टैक्सेस और फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट का बच्चों वाला क्वेश्चन है ने? जल्दी से करो जल्दी से हाय अक्षत व्यास फास्ट रोनी चटर्जी क्लास में आ गए थे शायद जहां तक मुझे पता है तो रोनी चटर्जी मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा आज जो सिक्सटी सिक्स टू बाई थ्री होता है ना जो सिक्सटी थ्री परसेंट होता है हम उसको फ्रैक्शन में टू बा तो अब आप खुद याद कर लेना आपने कहीं इस पर गलती करी होगी तो देख लेना अगर आपने कहीं गलती हुई हो आपसे ठीक है सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स किसको आप लोग वन बाय थ्री नहीं बोलेंगे आप क्या बोलेंगे उसको टू बाय थ्री बोलेंगे ठीक है सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सिक्स पॉइंट इन फ्रैक्शन ठीक है यस चलो बहुत ही बढ़िया रित्रो पांचों के पांचों सही गए तुम्हारे क्वेश्चन वेरी गुड चलिए देखो द रेशो बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस पता धीरे 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 हम लेवल बढ़ाएंगे अपना डोंट वरी ठीक है टेबल्स के हम लोग एटलीस्ट सात आठ सेट करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी फिर ऐसे अगले टॉपिक के सात आठ सेट करेंगे तो हमें अलग लेवल पर क्लैरिटी हो जाएगी डोंट वरी ठीक है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है द रेशो बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस ठीक है टैक्सेस पर टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना हुआ इन सबको कर करने में तुम एक्सपर्ट हो फॉर ऑल इयर्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट सो हरिओम बाबू बताओ ये ऐड करके कितना आया था इन सबको तुमने ऐड किया तो कितना बाबू हरिओम इनको ऐड करके कितना आया था इनको एड करो फाइव एट्टी सिक्स आ रहा है ठीक है ओके ठीक है तो इनको डिवाइड करोगे कितना आएगा इनको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा इनको डिवाइड करोगे तो 0.76 आएगा इनको डिवाइड करके और यहां पर देख लेना 0.76 पॉइंट सेवन सिक्स के स्क्वायर डिवाइड करके यहां पर देख लेना 0.76 पॉइंट सेवन सिक्स के स्क्वाय डिड करके सो आई थिंक ऑप्शन बी को आ रहा होगा ठीक है इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर डेट इज वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन ठीक है ये बात समझ में आती है क्या आप लोगों को ये बात आप लोगों को समझ में आती है क्या हाय निधि वेलकम टू द सेशन चलिए जी हाँ, चलो 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 आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ठीक है हाँ अच्छा पहले प्रीवियस ईयर या कल वाला डाउट पहले प्रीवियस ईयर या कल वाला डाउट अप्रोक्सीमेट से कर सकते थे पहले प्रीवियस ईयर या कल वाला डाउट पी क्यू या कल वाला वाले ट्रू पर क्लिक करेंगे बाकी फॉल्स पर क्लिक करेंगे ठीक है बताओ जल्दी से पीवाई क्यू वाले ट्रू पर क्लिक करेंगे जिनको प्रीवियस क्वेश्चन करना है बाकी फॉल्स पर क्लिक करेंगे जिनको कल वाला चाहिए वाह तो ये तो बस मैं कर देता हूं अपलोड इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें सो जनता क्या चाहती है आप लोगों के सामने ठीक है जनता क्या चाहती है आप लोगों के सामने है तो सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसमें तो चलो है तो बहुत पुराना है शायद जब तक तुम पैदा भी नहीं हुए थे

एट प्राइमरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी ग्रेजुएट लेवल ठीक है में में जो हमारी का आ, सेल हुआ है, उसका 1990 में सेल इतना था, फाइव में इतना सो so, हमसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ दैटेगरी शोन द लोवेस्ट ग्रोथ रेट फ्रॉम नाइनटीन नाइनटी टू फाइव ये हमसे पूछा जा रहा है ठीक है मेरे भाई

और फिर वो ग्रोथ सारी निकाल के देखना तो सबसे लोवेस्ट ग्रोथ किस में आया है जिसमें सबसे लोवेस्ट ग्रोथ आया हमारा वही आंसर है जिसमें सबसे लोवेस्ट ग्रोथ आया हमारा वही आंसर है ठीक है so, सो क्या पोल क्रिएट करा जा जाए क्या क्या पोल क्रिएट करा जाए क्या चलो तुम भी क्या याद रखोगे पोल एक्टिव है गाइज पोल इज एक्टिव ग्रोथ निकालना है okay. पता है क्या है आप लोग इसको अप्रोक्सीमेशन से भी तो कर सकते हो ना आप लोग इसको अप्रोक्सीमेशन से भी तो कर सकते हो ना भाई जरूरी थोड़ा ही है इसको 42,000 पूरा कंपेयर करना है ऐसे थोड़ा ही करना होता है आप इसको सिर्फ मान लो ये 40 है 42 है ये 68 है इसको ऐसे मान लो ना अगर कोई नंबर 42 से 68 हो गया तो कितना इंक्रीज हुआ वो अगर कोई नंबर 42 से 68 हो गया तो वो कितना इंक्रीज हुआ जल्दी से बताओ कितना इंक्रीमेंट हुआ इसमें

अगर कोई नंबर मेरा 8 से 20 हो गया तो 12 का इंक्रीमेंट आया कितने पर 8 पे ये मेरा आ आ रहा है। This is more than 100 guys, ये आ रहा है है हमारा 150 ही, तो तो है है ये तो है हमारा अगर मैं हायर सेकेंडरी की बात करता हूँ तो से कोई चीज एट्टी टू हो गई 65 से कोई चीज एट्टी टू हो गई तो सिक्सटीन बढ़ा सिक्सटी फाइव पर यही सबसे कम होता दिखाई दे रहा है मुझे जो कि वन फोर्थ के करीब दिखाई दे रहा है मुझे। के करीब दिखाई दे रहा है मुझे तो लगभग लगभग ये आएगा हमारा वन फोर्थ से भी कम ही आएगा है ना कितना आ ट्वेंटी सिक्स परसेंट आ रहा है कितना आ रहा है हमारा जल्दी से बताओ ठीक है तो ट्वेंटी फाइव से ज्यादा आएगा ट्वेंटी वैरी कर रहा होगा कहीं पर जरा देख लो ट्वेंटी वैरी कर रहा होगा है ना एंड ये वाला ट्वेंटी फाइव से कितना हो गया ट्वेंटी थर्टी सिक्स ट्वेंटी फाइव से 36 हो गया अगर हम ग्रोथ हमारा ग्रेजुएट लेवल का 90 90 में ग्रोथ कितना था 25, 95 में ग्रोथ कितना है? 36, पूरा वैल्यू लो गा ट्वेंटी फोर परसेंट सो सबसे लोवेस्ट ग्रोथ रेट हमारा कहां पर आ रहा है देखो यहां पर फोर्टी ग्रोथ आ रहा है यहां पर हमारा ट्वेंटी के करीब आ रहा है यहां पर हमारा वन आ रहा है यहां पर हमारा सिक्सटी ग्रोथ आ रहा है आपको ईयर वाइज निकालने की जरूरत नहीं है आपको ईयर वाइज निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इन दोनों ईयर्स पर फोकस करना है बस आपको बात समझ में आई क्या हाँ आराम से ऑब्जर्वेशन से भी हो जाता ऑब्जर्वेशन से भी हो जाता, जाता। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ए सर एक बार आप रिफ्रेश कर लो ना मैं रिफ्रेश कर लेता ठीक है अब अब ठीक हो रहा है अब ठीक है मेरे भाई सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हां ट्राई टू सॉल्व दिस मैं तो सोच रहा हूं तुम्हारा कल टेस्ट ले लू यार परसेंटेज टॉपिक का तीन दिन हो गए मुझे परसेंटेज पढ़ाते पढ़ाते मैं सोच रहा हूं टेस्ट का टाइम आ चुका है क्यों ना टेस्ट लिया जाए एक करता हूं आज रात को प्लान आज रात को प्लान करता हूं फिर मैं जो रात को शेड्यूल अपडेट करूंगा ना उसमें बता दूंगा आज रात को प्लान करता हूं एंड फिर बताता हूं किस टाइम होगा ठीक है क्या पूछा है क्वेश्चन में व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ सेल्स ऑफ बुक एट प्राइमरी स्कूल लेवल तो आई थिंक ये तो हम लोगों ने जस्ट अभी सोल्व किया था अगर आप लोगों को बातें याद आ रही हूँ तो ये तो आई थिंक हम लोगों ने जस्ट अभी सोल्व किया था तो मैं तो इसका पोल क्रिएट कर दे रहा हूँ सीधा सीधा इसको तो पूरा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है इसलिए फोर्टी फाइव सेकेंड्स दे रहा हूँ बस अभी तो निकाला था ये प्राइमरी स्कूल नाइनटी नाइन ईयर जरूर देख लिया करो एक बार ना कभी कभी ईयर में बिगाड़ देता है वो गेम तो एक बार ईयर जरूर देख लिया करो ऐसी नब्बे से लेके नाइन्टी फाइव तक सो फोर्टी से सिक्सटी एट हो गया बस ये देखना था कोई नंबर 42 से कितना हो गया 68 हो गया तो कितना इंक्रीमेंट हुआ 26 का इंक्रीमेंट हुआ कितने बार 42 पर सो so बस हमें ये सॉल्व करना था यहाँ पर हमें ये सॉल्व करना था बस यहाँ पर जो कि अप्रोक्स हमारा 63 परसेंट के करीब आएगा अब तो टिक कर दो यार अब तो टिक कर दो अब तो मैंने सॉल्व भी कर दिया ये अब भी शर्मा रहे हो चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ इसमें तो 100% परसेंट पोल आए तो करें पोल तो आ गया था यार पोल तो आ गया था अप्रोक्स पूछा होगा ना उसने फिर ये भी तो है ना यहाँ पर देख सर पोल नहीं आया यार सबका तो आया पोल बाकी लोगों का तो पोल आया बाकी लोगों का तो पोल आया चलिए जी मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ये देखते हैं जरा इस वाले क्वेश्चन पर फोकस करो ये क्या कहता है कर तो लिया रिफ्रेश एक बार और कर देता हूं भाई मैं तो रिफ्रेश करने ही बैठा हूं आज यहां पर हमसे पूछा जा रहा है पहले क्वेश्चन को समझो पहले क्वेश्चन क्या यहां पर पहले क्वेश्चन को समझो तभी सॉल्व कर पाओगे कैटेगरीज है कंसिस्टेंट ग्रोथ और कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन दीरियड शॉन ऐसी कौन सी कैटेगरी है यहां पर जिसमें या तो कंसिस्टेंट ग्रोथ हुआ है या कंसिस्टेंट डिक्लाइन हुआ है अगर कम हो रहा था तो हमेशा कम होता ही गया है या बढ़ रहा था तो हमेशा बढ़ता ही गया है ऐसी कौन सी कैटेगरी है यहां पर तो मैं इसके लिए पोल क्रिएट करूं क्या भाई साहब पेन उठाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में पेन उठाने तक की जरूरत नहीं है आप लोगों को पता है सीधा सीधा आप लोगों को ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करना है क्वेश्चन ये

बहुत ही बढ़िया वेरी गुड नाइनटी परसेंट एट्टी नाइन परसेंट वेरी गुड बहुत ही बढ़िया एटी एट परसेंट वेरी गुड गाइस बहुत ही बढ़िया यार बहुत ही बढ़िया इतने बच्चों को चॉकलेट नहीं खिला पाऊंगा मैं चलिए जी ये रहा हमारा लीडर का बोर्ड लीडर बोर्ड चलो अब मेरी बात सुनो जरा तुम्हें देखना था देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है मैं एक बार बता देता हूं दोबारा से से जल्दी हैड अ कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट ग्रोथ और डिक्लाइन या तो ग्रोथ ही हो 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 रहा रहा डिक्लाइन तो पहले देखो पहला ऑप्शन था प्राइमरी हमारा प्राइमरी में ना पता यहां तक तो ग्रोथ हो रहा था फोर्टी से फिफ्टी हुआ, 58 हुआ फिर फिफ्टी हुआ बट फिर डिक्लाइन हो गया यार तो कंसिस्टेंट ग्रोथ भी नहीं हो रही कंसिस्टेंट डिक्लाइन भी नहीं हो रहा तो ऑप्शन ये तो गलत फिर सेकेंडरी के पास गए 88 से हंड्रेड हुआ, टू हुआ फिर वन सिक्स से वन फिफ्टी फोर हो गया कभी तो इंक्रीमेंट हो रहा है कभी डिक्रीमेंट हो रहा है ये नहीं चलेगा ऐसा केस तो अपने को चाहिए ही नहीं सिक्सटी फाइव सेवेंटी वन अब तक ग्रोथ थी अब डिक्लाइन हो गया ये तो चाहिए नहीं अपने को चौथा थोड़ा चेक करूंगा मैं चौथे को तो सीधा टिक करूंगा ना अगर तीन ऑप्शन मेरे गलत हो गए तो चौथे को चेक थोड़ा ही करूंगा वहां पर मैं वहां पर टिक करना है भाई बस सीधा ग्रेजुएट लेवल जब तीन गलत हो गए तो चौथा तो सही होगा ना कभी तुम अपना टाइम खराब कर रहे हो अपना टाइम और घर वालों का पैसा कि इसको देखते हैं ग्रोथ हो रही है कंसिस्टेंट डिक्लाइन हो रहा है है 25 से 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 27, 27 से 28, 28 से 30, कभी कभी ये चेक कर बैठ के है ना ज्यादा ही फील ले लो अबे अब तीन गलत हो गए अगर तीन गलत हो गए तो चौथा तो सही होगा ना मेरे भाई हाँ तनभी देखो तनवी देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा ये तो मेरे समय से भी पहले की बातें हैं देखो नाइनटीन का क्वेश्चन है कैट का कैट तो तब भी होता था ना

हैदराबाद, मेरा ये दोनों कॉलेज का बिजनेस वाला चाहता तो इसलिए आज से फिर से फिर आपका क्लास करना किया हूं। और एक ईयर का ये जो गैप हुआ है इसको कवर करने के लिए टू थर्ड सर्टिफिकेट कर रहा हूँ आप बस बोलो कि ये प्लान सही है कि या नहीं थक गया भाई मैं आरसी पढ़ा मैंने अभी अगर इतना मैं अपने टाइम पे आरसी पढ़ लेता तो मेरा वर्बल में भी अच्छा स्कोर आ जाता अरे राजदीप मेरे को टेलीग्राम करना मेरे को टेलीग्राम करना है व्हाट्सअप करना ठीक है वहां पर रिप्लाई करता हूँ आपको ठीक है या मेरे को कॉल कर लेना ठीक है डोंट वरी हाँ कॉल भी कर सकते हो आप लोग मेरे दो से दो से तीन के बीच में डोंट वरी यस अगर ये चीजें मैं अपने टाइम पे पढ़ लेता ना तो मुझे दिक्कत ना होती मैंने अपने टाइम पे चीजें पढ़ी ही नहीं है Highest growth rate. I think ये वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने ऑलरेडी सोल्व कर लिया था आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने ऑलरेडी सोल्व कर लिया था तो आप लोगों पता हो नहीं पता तो और भी अच्छी बात है बट मैं तो पोल एक्टिव है फास्ट वाह सौम्य तुम भी आज क्वेश्चन कर रहे हो जयपुर से आया मेरा दोस्त सौम्य भी आज क्वेश्चन कर रहे हैं फिर मनीष फिर अक्षय फिर आकाश फिर अभिषेक फिर यशो फिर शुभम रोमिकरित्रो हर्ष देवेंद्र क्रिविश्वपनेश चेतन इशिका दीपिका दक्षराज लक्ष्मीकांत, अंशुल, साहिल, विनेल, अपूर्वा, मुस्कान, पोल एक्टिव मुग्धा सुष्मिता प्रियल कुणाल देवाशीष अजय पराग सुमित शुभम अयान निखिल भाई बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पेट में दर्द हो गया नाम लेते लेते मेरा भी नाम ले लो सर अपने मुख से हाय यशु हरिओम चलो अजीत अपना नाम खुद ले दो सब एक बार है हाँ? चलो बहुत ही बढ़िया अरित्रो ही माहौल सेट किया हो तुमने तो पूरी क्लास में अरित्रो यशु मनीष अपूर्वा शेयर अंशुल साक्षी शुभम सुमित आकाश चलिए गाइस चलिएगा वेरी गुड ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है मैंने बताया तो था यार अभी अभी तो बताया था इसका पहला सेट में देखो ना मैक्सिमम ग्रोथ कहां पर हुआ है हमारा यहां पर सिक्सटी परसेंट ग्रोथ था यहां पर हमारा 60 परसेंट ग्रोथ था यहाँ पर 150 ग्रोथ था वन फिफ्टी परसेंट ग्रोथ था यहाँ पर 44 फोर्टी ग्रोथ था तो इस बार उसने हमसे पूछा था हैड द द हाईएस्ट हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन पीरियड तो ग्रोथ रेट किसका था सेकेंडरी का था तो सेकेंडरी को टिक करना था सेकेंडरी को टिक करना था आंसर निकालना था बात खत्म इजी वन अब क्वेश्चन था है ना आगे बढ़े क्या सर आपको कौन से नंबर पर कॉल करना है जो मेरे टेलीग्राम चैनल में है ठीक है उसी नंबर पर कॉल मैसेज करना फिर कहते हो रिप्लाई नहीं करते सर तो उस करोगे तो रिप्लाई करूंगा अफसोस ऐसा डी आई अब नहीं आता बिल्कुल अफसोस है बट यार शुरू में तुम्हें मोटिवेट करने के लिए चीजें करानी भी तो पड़ेगी ना तुम्हें लगना तो चाहिए ना ठीक है देख कॉन्सेप्ट ही बदल जाएंगे यार हमारे कॉन्सेप्ट ही बदल जाएंगे हमारे कॉन्सेप्ट तो वही आएंगे ना एक मिनट जरा मैं ना वो कल वाले चार क्वेश्चन रह गए थे हमारे कल वाले चार क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं हम लोग डी का टेबल कौन सा था वो हमारा टेबल वन था हमारा <coughs> यही था ना यार यही था ना यही था, था ना हाँ यही था सो so, पहले मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ जरा कल के चार क्वेश्चन रह गए थे ना जो वो एक बार सॉल्व कर लेते हैं हम लोग एक मिनट जरा यही पूछ रहा था काश की मैट कैट नाइट अरे रुक जाओ भी यार रुक जाओ राजदीप कह रहा है कुछ ज्यादा ही लिख दिया था भावनाओं में बहकर <laughs> नहीं राजदीप बिल्कुल सही लिखा था आपने ठीक है वो आपकी क्वेरी है और उसको सॉल्व करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डोंट वरी ब्रो अच्छा इसमें आंसर्स मार्क किए हुए हैं मैंने ओके यहाँ तक हो गया था आई थिंक हमारे चार क्वेश्चन हो गए थे ना हमारे चार क्वेश्चन हो गए थे ना कल ये वाला क्वेश्चन हो गया था आई थिंक हमारा साथ में कोई याद आ रहा है फिफ्थ क्वेश्चन हमारा नहीं हुआ था फिफ्थ क्वेश्चन हमारा हो गया था क्या फिफ्थ क्वेश्चन हमारा नहीं हुआ था ना यस yes. क्या कह रहा है क्वेश्चन इफ इट इज एक्सपेक्टेड डेट द सेल्स ऑफ कंपनी बी सेल्स ऑफ कंपनी बी इन 2007 विल बाय ओके वट इज द एक्सपेक्टेड सेल्स ऑफ कंपनी बी इन ईयर टू थाउजेंड सेवन हमें तो टू थाउजेंड सिक्स तक की बातें करी हुई है टू थाउजेंड सेवन में बोला जा रहा है 2007 में बोला जा रहा है ये 15 बढ़ जाएगा तो इसको फिफ्टीन परसेंट बढ़ा दिया जाए इसको 15 इसका टेन परसेंट कितना होगा टेन परसेंट वन फोर्टी सिक्स होगा ऑप्शन पास पास है क्या वन फोर्टी सिक्स पॉइंट फाइव होगा इसका टेन परसेंट है ना और इसका फाइव परसेंट अगर ये टेन परसेंट के बराबर है भाई देखो ना टेन परसेंट निकालने का मतलब क्या हाँ वो भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आकाश दिल जीत लिया मेरे भाई आकाश तूने दिल जीत लिया है बोल के मैं होता तो शायद मैं भी वही करता बट यार मैं डरता हूँ फिफ्टीन परसेंट की फ्रैक्शन होती है थ्री बाय ट्वेंटी ट्वेंटी का फिफ्टीन परसेंट होता है थ्री तो हमें करना क्या थाचुअली वन फोर सिक्स फाइव का मल्टीप्लाई करना था ट्वेंटी थ्री बाई ट्वेंटी से मैं होता तो मैं तो ये काम करता अगर मैं होता बट आज मैं नहीं हूं तो मुझे ये चीजें बतानी पड़ रही हैं और यहाँ से भी चीजें बहुत जल्दी हो जाती हैं ठीक है वन फोर्टी में सेवेंटी थ्री एड करना जरा कितना छह तीन नौ आते हैं चौदह सात कितना इक्कीस दो सौ उन्नीस एड करना इसमें कितना दो सौ उन्नीस पॉइंट सेवन फाइव देखना जरा कितना आ रहा है वन फोर सिक्स फाइव में दो सौ उन्नीस एड कर लेना जरा कितना आ रहा है नौ और पांच चौदह होता है यहाँ पे कितना आएगा आठ आएगा चौदह दो कितना होता है सोलह होता है इज द ज इन ऑप्शन ए ठीक है यस इज इट क्लियर इज इट क्लियर जल्दी से बताओ जरा सो दिस इज अवर सिक्स क्वेश्चन था एंड ये हमारा all, all, मेरे दोस्तों ने परसेंटेज पढ़ा हुआ है और थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट का मतलब इन लोगों को पता है कितना होता है थ्री बाय एट बहुत ही बढ़िया चलो ठीक है एट बाय थ्री अरे रोहन रोहन कौन था एट बाय थ्री वाला ईशा ईशा खाना खाया था ना आज दिन में तो अगर खाना खाया था ऐसी हरकत मत करो प्लीज ठीक है यस इफ इट इज नोन दैट सेल्स ऑफ कंपनी सी इंक्रीज्ड बाय 37.5 इन द ईयर 2003 ठीक है ओके सेल ऑफ कंपनी सी जो हमारा हुआ वो 37.5 इंक्रीज हुआ 2003 में फाइंड द सेल इन 2002 देखो अगर 2002 में कंपनी का सेल 8 था थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट कितना होता है 3 होता है तो थर्टी सेवन पॉइंट हो जाएगा सी का सेल कितना था? 8 था. तो एट का थर्टी सेवन पॉइंट फाइव कितना होता है थ्री होता है तो एट प्लस कितना होता है हमारा इलेवन यानी कि टू थाउजेंड थ्री में कितना हो गया इलेवन बट ये सब बातें तो मेरे अकॉर्डिंग है ना अब तक मैंने एक्चुअल डाटा का यूज तक नहीं किया

अरे यार कर लोगे ना ये काम समझ में आ रहा है ये 37.5 पता है ना परसेंटेज पढ़ा था तुम लोगों ने मैंने इतना जोर दिया था आप लोगों की परसेंटेज पढ़ लो परसेंटेज पढ़ लो 37.5 होता है थ्री बाय एट एट का 37.5 परसेंट होता है थ्री सो so, अगर 2002 में कंपनी सी का सेल एट था एट क्यों माना क्योंकि फ्रैक्शन क्रिएट नहीं होगी इससे एट का थर्टी होता है थ्री तो दो में हमारा सेल कितना हो गया एट प्लस थ्री बट ये सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग है ये सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग है ठीक है ये सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग है कंपनी सी का सेल इन 2002 एंड कंपनी सी का सेल इन 2003 जो उसका रेशो आ रहा है वो 8 बाय 11 आ रहा है आप लोग चेक भी कर लो 8 का 37.5 परसेंट थ्री होता है 8 का 37.5 परसेंट कितना होता है थ्री सो so यानी कि 2003 में कंपनी का सेल रेशो में 11 है बट एक्चुअल में कितना है सिक्स Ratio में इलेवन है बट एक्चुअल में कितना है, 680. तो, 11 का .8 आ रहा है तो हमारा एट का वैल्यू कितना होगा हमारा एट का वैल्यू कितना होगा सो so एट का वैल्यू निकालो जरा सिक्सटी वन पॉइंट एट इन टू एट सिक्सटी एट इंटू एट विच इज ना सोल्व करके फोर नाइन पॉइंट फोर सो so, देखो उसके पास का कौन सा ऑप्शन हमारे पास है इसके पास हमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है ये बातें समझ में आ रही हैं ऊपर से जा रही हैं ये बातें समझ में आ रही हैं ऊपर से जा रही हैं समझ में आ रही है ना इट्स दिस दिस क्वेश्चन इज बेस्ड क्वेश्चन इज अनुपम बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रही अनुपम तुमने परसेंटेज नहीं पढ़ा क्या ये बात इसका रोल था बस यहां पर इसका रोल था मेरे भाई इतना मैं बोल रहा हूं पढ़ लो मैंने उसका पीडीएफ बना के दे दिया अरे यार अब बच्चे थोड़ा ही हो उसको देख तो लो एटलीस्ट एक बार देख तो लो यार डीआई के लिए परसेंटेज और एवरेज जरूरी है थोड़ा ठीक है अरे फर्स्ट क्लास है आपका लेकिन उसको जरूर देख लेना अनुपम मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो उस पर डाला हुआ है मैंने वो अदरवाइज अनुपम्राम्रेड लेट करके भी कर सकते थे हंड्रेड लेट करके भी कर सकते थे बस हंड्रेड से ना थोड़ा ना दिक्कत आ जाती है हो जाता है है ना फिर इससे कंपेयर करते हैं तुम लोग मैं डेसिमल फ्रैक्शन से थोड़ा दूर भागता हूं नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन है एक क्वेश्चन ये हमारे पास देखना जरा इसको एक मिनट जरा बाय व्हाट परसेंटेज सेल्स ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2006 लेस देन द सेल ऑफ कंपनी सी इन द ईयर 2009 अच्छा आप लोगों ने क्या आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा हुआ है क्या क्या आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा हुआ है क्या देखो जरा बाय वॉट परसेंटेज इज द सेल्स ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2006 लेस देन द सेल्स ऑफ कंपनी सी इन 2003 कंपनी सी का सेल देखो 2003 में कितना था 680 एंड कंपनी ए का सेल देखो 2006 में कितना था 375. So 680 से 375 कितना कम है? बताओ ना कितना कम है यार? बोल नहीं पा रहे तुम लोग 305. 305 कम है. है? है. किससे किया जा रहा के के बाद बाद क्या तो 680 थ्री जीरो so, ट से कम आएगा 50 परसेंट से कम आएगा हम लोगों को सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी सिक्स एट्टी का 50 परसेंट कितना होगा थ्री फोर्टी सिक्स एट्टी का फिफ्टी परसेंट कितना 340. ये 305 है, तो is, हाँ, था तो डेट इज वाई फिफ्टी परसेंट से हमारा कम एक ही ऑप्शन है ये फिफ्टी परसेंट से ज्यादा था ये भी गलत ये भी गलत ये भी गलत फिफ्टी परसेंट से कम हमारा एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन ए है डेट इज वाई फोर्टी फाइव परसेंट इज द करेक्ट आंसर सीधा कर लेते हैं ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान रखा करो थोड़ा ऑप्शन को ध्यान रखा करो ठीक है नेक्स्ट हमारा आता है एनुअल ग्रोथ रेट एनुअल ग्रोथ रेट इस तरह के क्वेश्चन को आप लोगों को करना होता है ऑप्शन से इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग करोगे ऑप्शन से अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा हुआ है तो आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है ठीक है फाइंड द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ कंपनी ए ओवर द पीरियड फोर टू सिक्स ओवर द पीरियड फोर टू सिक्स फोर टू सिक्स का हमें कंपाउंड एनुअल ग्रोथ निकालना है कितना होगा हाँ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ हमें निकालना है ठीक है हम्म मैं बता रहा हूं मैं बता रहा हूं कैसे निकलेगा ठीक है पहले आप ये देखो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ फर्स्ट ऑप्शन ट्वेल्व परसेंट है फिर टेन परसेंट है फिर एट परसेंट है फिफ्टीन परसेंट है थ्री हंड्रेड का ट्वेल्व परसेंट इंक्रीज करना कितना हो जाएगा अगर थ्री हंड्रेड को ट्वेल्व परसेंट इंक्रीज हो तो कितना आएगा जल्दी से बताओ बता नहीं पा रहे तुम लोग कितना आएगा थ्री हंड्रेड को ट्वेल्व परसेंट इंक्रीज करो कितना आएगा थ्री थर्टी सिक्स अब थ्री थर्टी सिक्स को ट्वेल्व परसेंट इंक्रीज करना है कितना आएगा अब 336 को 12% परसेंट करना कितना आएगा देखो जरा 336 को 12% इंक्रीज करो कितना आएगा अरे इसका 12% परसेंट निकालो ना इसका 10% परसेंट होगा 33 देखो कितना आएगा? 376.32 376.32 अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो इसका 12% परसेंट निकालना इसका 12% परसेंट कितना होगा इसमें ऐड कर देना या सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देना 336 को 112 by 100 से मल्टीप्लाई कर परसेंटेज आपने परसेंटेज किस लेवल तक पढ़ा हुआ है सुबह इसलिए की प्रैक्टिस करा रहा हूं। यहाँ पर percentage के अब ये यूज़ में आ रहे हैं। so, so, अगर मैं ऑप्शन वन से देखता हूँ तो 12% परसेंट लेके इसके पास का वैल्यू आ रहा है तो यानी कि एनुअल ग्रोथ रेट मेरा 12% परसेंट होता या ये जो हुआ है से 345 हो गया, फिर 375 हुआ, तो बात एक ही थी एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब होता है एनुअल ग्रोथ रेट कितना था ओवरऑल देखता हूं तो मैं कितना है 300 से कोई चीज 375 हो गई तो 75 बढ़ाना ये 75 बढ़ा कितने पर 300 पर 4 परसेंटेज वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना आ रहा है 25 परसेंट ये कितना बढ़ा हमारा 25 परसेंट बढ़ा ठीक है कितने साल में दो साल में 25 परसेंट बढ़ा दो साल में हमारा ये बात समझ में आ रही है क्या ठीक है 25 बढ़ा है हमारा दो साल में ठीक है

बाकी तो कोई ऑप्शन ट्वेंटी फाइव परसेंट करीब नहीं आएगा सो हम लोगों ने यहाँ पर लगाया सक्सेसिव, या तो ऐसे कर लो, या सीधा -सीधा से करो या तो इसको सबसे पर रखा है ऑप्शन से थ्री हंड्रेड था हमारे पास 300 का 12 कितना होगा थ्री थर्टी सिक्स बन जाएगा ट्वेल्व परसेंट इक्रीमेंट के बाद फिर थ्री थर्टी सिक्स को फिर ट्वेल्व परसेंट इंक्रीज किया तो कितना हो गया थ्री सेवेंटी सिक्स पॉइंट थ्री टू अगर मेरा एनुअल ग्रोथ ट्वेल्व परसेंट होता अगर मेरा एनुअल ग्रोथ ट्वेल्व परसेंट होता तो तब भी मेरा

ये बात समझ में आती है क्या बता तो दिया बिना ऑप्शन के भाई थ्री सेवेंटी फाइव इनक्रीज हुआ साल का 25 किसका दो साल का होता है या तो ऐसे कर लेना फिर x, plus, x, plus, x, into x by 100. और वो तो पता होता है 12 का सक्सेसिव ट्वेंटी होता है अगर आपने परसेंटेज पे ढंग से रिसर्च करी करिए तो ठीक है और ऑप्शन तो होंगे ना यार हमारे पास ऑप्शन तो होंगे हमारे पास ठीक है तो कल सेम टाइम 5:30 थर्टी पी कल सेम टाइम 5:30 थर्टी पी सेम टाइम सेम जगह जो बच्चे नए हैं प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना परसों थी बारह मई परसों थी हमारी बारह मई बारह मई का क्या करना है आप लोगों को मैंने बारह मई की चैट देखना वहां पर मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ शेयर की थी फ्री कंप्लीट क्वांट बाय उदित सर फ्री कंप्लीट क्वांट बाय उदित सर करके एक पीडीएफ थी वो जरूर देख लो उसमें परसेंटेज रेशो और एवरेज देख लो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं अगर आप लोगों ने नहीं देखा है जिन लोगों के पास प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं है वो लोग तो जरूर देखें उसको जिन लोगों के पास प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं है वो लोग उसको तो देख लें आप के थोड़े क्लियर हो जाएंगे डीआई में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको आपको डीआई में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी समझ रहे हो आप मेरी बात सेकंड थिंग सेकंड थिंग हमारा क्या है अगर मैं आप लोगों को बताऊं अगर आप लोग कैट का सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी प्लस का सो आपको एक मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है यानी कि आप पे करोगे सिक्स मंथ के लिए आप पे करोगे सिक्स मंथ के लिए उस पर आपको वन मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा यह ऑफर अभी चल रहा है ऑफर हमारा अभी चल रहा है और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए रेफरल कोड 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 यूज 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 करना है उदित उदित yes. तो ये चीजें ना भूलो ठीक है वेरी गुड ठीक है चलिए जी बाय गाइस टेक केयर हाँ बाय बाय होंगे होंगे अर्थमेटिक भी होंगे जीत <coughs>